तो हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इंस्टाग्राम स्टोरी के व्यूज़ कैसे बढ़ाना है। क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ क्या होता है कि वो इंस्टाग्राम स्टोरी ज़रूर लगाते हैं पर उनके व्यूज़ 40-50 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 आते हैं, पर वो चाहते हैं कि मेरे व्यूज़ और भी ज़्यादा हैं पर उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग जितना व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ा सकते हैं। तो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी एक लगा लेना होगा। इंस्टाग्राम स्टोरी यहाँ से लगा लेना होगा आपको। इंस्टाग्राम स्टोरी में आप कुछ भी लगा लेता हूँ, उसका अपलोड भी कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इंस्टाग्राम स्टोरी पर व्यूज़ कैसे बढ़ाना है। तो यह मैंने अपलोड कर दिया, अपलोड हो गया यहाँ पे। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करते ही सबसे बार पर आपको टाइप करना है IGTools.net, ठीक है। IGTools.net आपको टाइप कर लेना है और सर्च कर लेना है। IGTools.net टाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जो कि तुर्किश लैंग्वेज में होगा। आपको इसको इंग्लिश में कर लेना है, ठीक है। आपको उसके पास जाने के बाद पांचवा वाला सेक्शन, पांचवा वाला ऑप्शन में जाना है आपको, यहाँ स्टोरी वॉच पर, ठीक है। आपको इस पर सिंपल से क्लिक कर देना है गो पे। गो पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें यहाँ लिखा होगा वेरिफिकेशन। रिकैप्चर पे आपको चेकमार्क पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके करने के बाद आपको सक्सेसफुल हो जाएगा ये अपना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र नेम, ठीक है। स्टोरी वॉच पे यूज़र नेम लिखा हुआ है यहाँ पे। आप अपना जिस इंस्टाग्राम यूज़र नेम पे आपने स्टोरी लगाई होगी, ठीक है, आप अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपने स्टोरी लगाई होगी वो स्टोरी यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी पे आपको क्लिक करने के बाद आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी 100, यहाँ मैक्सिमम आप 100 व्यूज़ ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं यहाँ पे 100 टाइप कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट करने से पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि इंस्टाग्राम पे मेरा अभी व्यूज़ कितने हैं, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे व्यूज़ अभी हैं 137, ठीक है। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं 137 मेरे व्यूज़ हैं। मैं इसको 108 और कर देता हूँ, ठीक है। आपको 108 किस तरह से करना, तो आप यहाँ सिंपल से सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा कि थोड़ी देर में आपको सक्सेसफुल के यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा और उसके साथ ही आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर देख सकते हैं 100 व्यूज़ अपने आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ी देर वेट करना है। तो भैया, मेरा यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है और मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे 100 व्यूज़ ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 100 व्यूज़ ऐड हो गए हैं, ठीक है। पहले मेरे 137 थे, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे यहाँ पे 100 से पार हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ 100 व्यूज़ मेरे ऐड हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 237 यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे में सीन बाय 237, ठीक है। तो ये आज की ट्रिक थी। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे व्यूज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप 100 व्यूज़ ऐड कर सकते हैं। ये आपको कब करना है, जब आप स्टोरी लगाए होंगे उसके आधा घंटा एक घंटा बाद आपको ये ट्राई करना है, ठीक है। तो आप 100 मैक्सिमम स्टोरी में ऐड कर सकते हैं, मिनिमम जितना भी कर सकते हैं। अगर आपको 100 व्यूज़ और बढ़ाने हैं ना, तो आपको क्या करना होगा ना, आपको आधा घंटा एक घंटा वेट कर करके आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी करके और सबमिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आपके धीरे धीरे होते 100 होते होते आपके व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर आप वेट नहीं करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, ठीक है। मैसेज बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा, क्या होगा यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे द वेटिंग टाइम हैज़ नॉट एक्सपायर्ड प्लीज़ वेट करके यहाँ पे बताएगा बार बार ऑप्शन, ठीक है। आप आधा घंटा वेट कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।